अनंता अस्पताल के गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी विभाग की टीम ने शुक्रवार को SMA यानी सुपीरियर मेंसेंट्रिक आर्टरी सिंड्रोम नाम की दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे 21 वर्षीय युवक को जीवन दान दिया। इस बीमारी में आमाशय के फूलने और उसमें छेद होने का खतरा रहता है। अनंता अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर नितिन शर्मा ने बताया कि एक सप्ताह पूर्व चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा निवासी भानीराम कीर के 21 साल के बेटे रतनलाल की 3-4 महीनों से तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। परेशान परिजन रतनलाल को अनंता हॉस्पिटल लेकर आए, जहां GI सर्जन डॉक्टर हेमंत जैन और मेडिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव शर्मा से मिले। यहां प्रारंभिक जांचों में रतनलाल के पेट में महाधमनी से निकलने वाली खून की नली, जो छोटी आंत को खून पहुंचाती है, उसकी बीच दूरी कम पाई गई। GI सर्जन डॉक्टर हेमंत जैन ने बताया कि इसकी वजह से छोटी आंत के प्रथम भाग दब जाने और खाना नीचे नहीं पहुंचने की पुष्टि की गई। इस बीमारी में आमाशय के फूलने के साथ उसमें छेद होने के खतरे की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। ऐसे में बिना समय गवाए लेप्रोस्कोपिक सर्जिकल बाईपास कर मरीज की छोटी आंत के पहले और दूसरे भाग को दूरबीन से जोड़ने में सफलता हासिल की। साथ ही ऑपरेशन पूरी तरह चिरंजीवी योजना में निशुल्क किया गया। डॉक्टर हेमंत जैन ने बताया कि यह बीमारी दुर्लभ किस्म की बीमारी में शामिल है, जो अमूमन 10,000 में से एक व्यक्ति में ही देखने को मिलती है। यह ऑपरेशन डॉक्टर दीपक, एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर सुमन, डॉक्टर हिमांशी के सहयोग से किया गया। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हेमंत जैन है। मैं अनंता हॉस्पिटल में GI एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी डिपार्टमेंट में एज ए कंसल्टेंट कार्यरत हूँ। हमारे पास चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा क्षेत्र से 21 ईयर का लड़का रतनलाल रेफर केस आया था। उस बच्चे को पिछले 3 से 4 महीने से हरे रंग की उल्टियाँ हो रही थी और वो खाना खाने में पूरी तरह असमर्थ था। उस बच्चे को 2 साल पहले TB नामक बीमारी भी हुई थी, जिसके लिए उसने पूरा ट्रीटमेंट लिया था। वो बच्चा सर्वप्रथम मेडिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव शर्मा सर के पास रेफर आया था और उन्होंने उसकी एंडोस्कोपी की थी, जिसमें हमें ये पता चला कि उसका छोटी आंत का पहला हिस्सा और स्टमक काफी डिस्टेंडेड है। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।